दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय। मेरे YouTube चैनल को देखने और सुनने वाले आप सभी अभिकर्ता साथियों का विकास अधिकारी महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की यह जो वीडियो है, यह भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्य कर रहे अभिकर्ताओं के लिए और विकास अधिकारी के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, इस विश्वास के साथ मैं इस वीडियो को बनाना आरम्भ कर रहा हूँ। दोस्तों, आज भारतीय जीवन बीमा निगम के तमाम ऐसे अभिकर्ता हैं जिनको लगता है कि वह दुनिया का सबसे बेकार काम कर रहे हैं, उन्हें इस धंधे में मजा ही नहीं आता। तो क्या आपको भी इस धंधे से मजा नहीं आ रहा है? यदि आपको भी इस धंधे से मजा नहीं आ रहा है तो सच मानिए, यह वीडियो बनाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही मैंने किया है। चलिए मैं अपनी बात को शुरू करूं, उससे पहले कुछ धंधे के विषय में और कुछ जॉब के विषय में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। हर व्यक्ति जो आज अभिकर्ता है, अभिकर्ता बनने से पहले क्या बनना चाहता था? आप क्या बनना चाहते थे? चलिए अपने प्रश्न को और आसान कर देता हूं। आज आपके पास जो शिक्षा है और जितनी शिक्षा है, उसके आधार पर यदि आपको अभिकरण व्यवसाय से छुट्टी दे दी जाए तो आपको कैसा काम मिल जाएगा? मान लीजिए आज ही आपको किसी कंपनी से जॉब मिल गया, तो उस कंपनी में आपको कितनी देर सेवा करनी होगी? 8 घंटे या फिर 12 घंटे? मान लीजिए आपको 8 घंटा या 12 घंटा वाला काम मिल गया, तो महीना पूरा होने पर वह कंपनी जहां आप काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वह कंपनी आपको वेतन के रूप में कितना पैसा देती है? 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या फिर 20,000 रुपए? कितना पैसा आपको दे देगी? चलिए मान लेते हैं कि आपको 20,000 रुपए का वेतन मिलने वाला काम मिल जाता है, तो वह कंपनी आपका उपयोग कैसे करेगी? आपका टाइम फिक्स हो जाएगा। यदि आपकी ड्यूटी यानी आपका कार्य 8 से 8 का है, यानी 8 AM से 8 PM तक का है, या फिर 8 से 4 का है, यानी 8 AM से 4 PM का है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 8 बजे तक अपने फैक्ट्री में या अपनी ऑफिस में जहां भी आपका काम हुआ है वहां आपको जाना होगा। अच्छा, एक बात बताइए, यदि किसी दिन आपने सोचा कि चलो 1 घंटा लेट से जाते हैं, तो फिर क्या होगा? दूसरे दिन आप फिर 0.5 घंटा लेट से पहुंचते हैं, तो क्या होगा? क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप काम लेट से पहुंचेंगे ना, तो सबसे पहला कार्य होगा कि आपका वेतन ही काट दिया जाएगा। और यदि बार बार आप लेट करेंगे, तब एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके कंपनी का मालिक आपको आपके कार्य से छुट्टी दे दे। क्यों? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? चलिए अब बात करते हैं इंक्रीमेंट की। जब आपकी कंपनी और उस कंपनी में आप दिल लगाकर काम करते हैं, तब कंपनी आपको कितना इंक्रीमेंट देगी और कितने समय के बाद काम करने के बाद आपको कंपनी इंक्रीमेंट देगी? मुझे लगता है यदि आप दिल लगाकर कार्य करते हैं, तब भी 1 साल 2 साल या 3 साल में आपको शायद प्रमोशन मिल जाए या फिर सैलरी में कुछ बढ़ोतरी हो जाए। चलिए जॉब से संबंधित एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई कार्य आ गया या फिर आप किसी परेशानी में फंस गए और आपने 2 महीना अपने कंपनी में या फिर अपनी ऑफिस में जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर जाना बंद कर दिया, तब आपको आपकी कंपनी से वेतन के रूप में कितना पैसा मिलेगा? शायद कुछ नहीं। या फिर यह भी हो सकता है कि आपको आपके कार्य से बेदखल कर दिया जाए, आपके कार्य से निकाल दिया जाए और आपकी जगह पर किसी और को नियुक्त कर दिया जाए और आपसे कहा जाए, सॉरी सर, आपकी जगह खाली थी, वहां पर मैंने किसी और को रख लिया है। क्यों दोस्तों, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? दोस्तों, यह सब तब होगा जब आपको किसी कंपनी में काम मिलेगा और जो कि आपके हिसाब से LIC की एजेंसी से अच्छा काम होगा। आइए अब थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। आज आप भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता हैं, तो मैं चाहता हूं आज अभी इसी वक्त खुद से एक सवाल पूछिए, इस कार्य को पाने के लिए कितने पैसे की घुस आपको किसी को देनी पड़ी है? इस काम को करने के लिए
कितने लोगों से आपको सिफारिश करना पड़ा है। अच्छा, अब मेरा दूसरा प्रश्न है, जब आपने LIC की एजेंसी ले ली होगी तब क्या आपको ड्यूटी का कोई टाइम टेबल आपको मिला था क्या? क्या आपके ब्रांच मैनेजर ने या फिर आपके विकास अधिकारी ने आपसे कहा कि देखो मैं तुम्हारा बॉस हूं और अब तुम्हारा काम हमारी कंपनी में लग गया है तो अब तुम्हें प्रतिदिन 8 घंटा काम करना ही होगा, ऐसा किसी ने आपसे कहा था क्या? अच्छा, मान लीजिए आप अपना कार्य 1 सप्ताह के लिए बंद कर दें, तब क्या आपकी ब्रांच ने आपकी सैलरी को काटा है क्या कभी और आपसे कहा हो आप 1 सप्ताह काम नहीं किए हैं इस कारण से मैं आपके कमीशन से इतना पैसा काट रहा हूं, ऐसा कभी हुआ है क्या? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जनवरी महीना में काम किए हो और आपका 25,000 रुपए का वेतन बना हो, यानी आपका कमीशन 25,000 रुपए का बना हो और जब आपने फरवरी महीना में काम किया हो तो आपका वेतन 50,000 रुपए का हो गया हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का अर्थ यह है कि कभी ऐसा हुआ है कि पिछले महीना में आपने जो काम किया होगा अगले महीना में उसका दूना इंक्रीमेंट आपको मिल गया हो, ऐसा हुआ है क्या? जबकि यदि आप अपने पसंदीदा जॉब में होते तो शायद 2 साल या 3 साल में आपका इंक्रीमेंट लगता, वो भी 500 या 1,000 रुपए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपके लिए LIC का धंधा अच्छा है या फिर 8 से 12 घंटे की जॉब। चलिए अब बात करते हैं व्यापार की। यदि आज आपको लगता है कि आपकी एजेंसी से अच्छा कार्य बिजनेस है तो एक बात बताइए, यदि आज आपको बिजनेस करना हो तब आप कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे? यदि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसे करने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत होगी? फिर ये मान लेते हैं आपने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की व्यवस्था बना भी ली, तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी दुकान को बनवाना पड़ेगा, काउंटर लगाना पड़ेगा, आपके दुकान से आप जो सामान बेचना चाहते हैं उसके सभी सामानों की व्यवस्था करनी होगी और यह सब कुछ कर लेने के बाद आप अपने दुकान के विषय में लोगों को जानकारी देंगे। इतना सब करने के बाद भी 12 से 14 घंटे का समय आपको अपनी दुकान पर बैठना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्त, एक बात बताइए, इतना सब कर लेने के बाद भी क्या इस बात की गारंटी आप दे सकते हैं कि आपका बिजनेस चल ही जाएगा और आप जो बेनिफिट पाना चाहते हैं वह बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि आपने 2 महीने के लिए अपनी दुकान बंद कर दी किसी भी कारण से तो क्या आपको आपकी दुकान से कुछ मिलेगा? 1 भी रुपए नहीं मिलेंगे। जबकि यदि आपने कोई पॉलिसी कराई है और आपका ग्राहक स्वयं जाकर अपनी प्रीमियम जमा कर देता है तब LIC आपसे नहीं कहने जाएगी आपने 2 महीने काम नहीं किया है इसलिए आपको पैसे नहीं दूंगा। LIC बिना कुछ बोले आपका हिस्सा आपके खाते में ट्रांसफर कर देंगे। दोस्तों, मान लीजिए किसी जरूरी कार्य से या फिर घूमने के ही उद्देश्य से आप कहीं बाहर चले जाते हैं, तब क्या आप वहां जाकर आप अपनी दुकान के सामान को बेच सकते हैं या फिर जो आपका पसंदीदा जॉब है वहां पर जाके कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप जागरूक अभिकर्ता हैं और जहां आप घूमने के लिए गए हैं वहां जाकर यदि कोई बीमा कर देते हैं तो आपके आने जाने का और वहां पर रहने का जो भी खर्च है ना वो आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर बताना हमारे और आपके लिए सबसे बेस्ट धंधा क्या है, जॉब, व्यापार या फिर LIC की एजेंसी, क्या है? मैं कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर जरूर जानना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपको आपके लिए निगम की क्या पावर है इसका पता लग गया होगा। अब बात आती है सफलता की। तो दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आप दिल से सफल होना चाहते हैं? यदि आप दिल से सफल होना चाहते हैं तो क्या आप जानते हैं कि एक अभिकर्ता के लिए सफलता का क्या रहस्य है? दोस्तों, कोई भी कंपनी हो या फिर कोई भी धंधा हो, उसकी सफलता या असफलता कुछ विशेष चीजों के ऊपर निर्भर करती है। उसमें होता है रॉ मटेरियल, उसमें होता है मैन पावर, उसमें होता है मैनेजमेंट सिस्टम और सबसे महत्वपूर्ण उसमें होता है कस्टमर की रिलेशनशिप।
चलिए बारी बारी से इन सभी विषयों पर बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है रॉ मटेरियल की। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बात बताइए, आपका रॉ मटेरियल क्या है? जरा सा एक बार सोच कर देखिए, कोई कंपनी हो और उसे यह पता ही ना हो कि उसका जो माल है, उसका निर्माण जो करना चाहती है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या है और रॉ मटेरियल किस किस मात्रा में मिलाकर प्रोडक्ट का निर्माण किया जाएगा, तो जो माल तैयार होगा आपको क्या लगता है उस माल की बिक्री होगी भी या नहीं होगी? दोस्तों, क्या आपको आपके सभी रॉ मटेरियल की जानकारी है? मुझसे नहीं, खुद से पूछिए और खुद को जवाब दीजिए। क्या आपने अपने रॉ मटेरियल को कस्टमर के साथ उसकी जरूरत के हिसाब से यूज करना है, इसके लिए जांच पड़ताल की है? हमारा अभिकर्ता क्या करता है? हमारा अभिकर्ता ग्राहक के पास जाता है और इंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान और सभी प्लानों को बारी बारीक से करके बताता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो प्लान है ना, यह हमारे लिए रॉ मटेरियल है। और हम क्या करते हैं, हम ग्राहक को ले जाकर अपने रॉ मटेरियल को रख देते हैं और कहते हैं, देख भाई, ये प्लान है, इसका यह नियम है और अब इसे ले लो और जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो खुद बनाओ। हमारा ग्राहक समझ नहीं पाता है, या तो वह आपको नहीं कर देता है, या यदि आपसे उसके रिश्ते अच्छे हैं तो उसको जरूरत अगर वास्तव में 50 लाख रुपए के बीमे की है तो 1-2 लाख रुपए का बीमा कराकर वह आपका मन रख लेता है। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट की जरूरत है, ना कि रॉ मटेरियल की? दोस्तों, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो मुझे लगता है भूल कर भी प्लान की चर्चा ग्राहक से ना करें, ग्राहक से उसके जरूरत की चर्चा करें, उसके भविष्य में उसे क्या क्या जरूरत आने वाली है इसके विषय में कस्टमर से बातचीत करें, उसके जरूरत के समय क्या और कितना खर्च होगा इस विषय में कस्टमर से बात करें, उसे महंगाई के हिसाब से जो प्लानिंग करनी है, जो वह सोच रहा है उसमें कितनी वृद्धि होगी इस विषय में कस्टमर से बात करें, संभावनाओं की बात करें, यदि वह प्लानिंग करता है तो उसे भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में कैसे आसानी होगी इसके विषय में बात करें, और यदि नहीं करता है तो उसको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं इस चीज को कस्टमर को दिखाएं, और आखिरी में बताएं कि यदि जो जरूरत है वह उसे आज पूरा करने के लिए प्लानिंग करने में अगर फेल हो जाता है, तब यदि वह खुद अपने परिवार के साथ नहीं रहा तब उसका परिवार उन जरूरतों को कैसे पूरा करेगा, उसके परिवार को कैसे और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है, यदि इस प्रकार से ग्राहक से बातचीत की जाए तो क्या ग्राहक पॉलिसी लेने से इनकार करेगा क्या? निश्चित रूप से आपकी सफलता का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। अब रही बात रॉ मटेरियल की, यानी योजनाओं की जानकारी की, तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर लगभग सभी योजनाओं की जानकारी विस्तृत रूप में पड़ी हुई है। एक एक प्लान की 3-3 वीडियोस, जिसमें कि उस प्लान की बेसिक जानकारी है, उसी प्लान की मैच्योरिटी की जानकारी के लिए एक अलग वीडियो बना हुआ है, उसी प्लान की तीसरी जानकारी के लिए, डेथ क्लेम से संबंधित जानकारी के लिए तीसरी वीडियो बनी है। तो इन वीडियोस को देखकर आप अपने रॉ मटेरियल यानी LIC की योजनाओं की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मैन पावर की। तो दोस्तों, इस विषय में मैंने अपनी पिछली वीडियो में विस्तृत रूप से जानकारी पहले से ही दे दी है। इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं जानने के लिए मेरी पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक को डाल दूंगा। अब बात होती है मैनेजमेंट की। किसी भी व्यक्ति, कंपनी या फिर बिजनेस की सफलता का रहस्य उसके मैनेजमेंट सिस्टम पर निर्भर करता है। आपका मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? हमारा अभिकर्ता जब मन करता है वही करता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि सही मैनेजमेंट सिस्टम का आप उपयोग करते हैं तब आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैनेजमेंट सिस्टम के कई भाग होते हैं। दोस्तों, इस विषय में मैं संक्षेप में ही चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि यदि इस विषय में डीपली बात करना शुरू कर देता हूं तो यह वीडियो बहुत काफी लंबी हो जाएगी। बात आती है सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की। आपका टाइम, एक अभिकर्ता का टाइम उसका पैसा होता है। आप अपने टाइम को कहां खर्च करते हैं और आप अपने टाइम को जहां खर्च करते हैं इसी के ऊपर आपकी सफलता निर्भर करती है।
आप बीमा कार्य करने के लिए घर से निकलते तो हैं, लेकिन घर से निकलने के बाद किसी जगह पर आप बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं और आपका पूरा का पूरा दिन खर्च हो जाता है। और जब शाम को आप घर लौटते हैं तो आपको लगता है कि आज तो कोई काम हुआ ही नहीं। तो दोस्तों, यदि इस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। आप खुद से या फिर किसी स्टाफ को रखकर नए ग्राहकों की खोज कर सकते हैं, उनके लिए लिस्ट तैयार कर सकते हैं और समय निर्धारित कर सकते हैं या करवा सकते हैं, और उन्हें उनके समय के अनुसार संपर्क करके अपने व्यवसाय को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आपके पुराने ग्राहक से आपके रिश्ते बेहतर हों, इसके लिए आपको उनसे भी संपर्क करते रहना होगा और इसके लिए आप अपने स्टाफ का उपयोग कर सकते हैं। बात आती है एडवर्टाइजमेंट की। दोस्तों, यह एडवर्टाइजमेंट भी आपकी सफलता का एक साइलेंट एवं बहुत बड़ा माध्यम होता है। और मेरी समझ से आपका सबसे अच्छा एडवर्टाइजर आपका ग्राहक ही हो सकता है। यदि एक बार आपका ग्राहक आपसे संतुष्ट हो गया ना और वह आपकी वकालत करने लगा, तब फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। अपनी इस बात को एक उदाहरण से बताना चाहता हूं। मुकेश अंबानी ने जियो कंपनी खोला, जहां तक मुझे जानकारी है 250 करोड़ रुपए लगा दिए। जी हां, 250 करोड़, और 4G सिम को मार्केट में लॉन्च कर दिया। जिस समय 4G सिम मार्केट में लॉन्च हुई, उस समय जो यूजर थे वो 3G और 2G मोबाइल को यूज किया करते थे। सारी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो वॉइस डाटा के लिए लड़ रही थी आपस में, और मुकेश जी ने क्या किया, मुकेश जी ने वॉइस डाटा फ्री कर लिया, इंटरनेट फ्री, SMS फ्री, फ्री फ्री फ्री, और ये फ्री फ्री करके जियो सिम फ्री में लॉन्च कर दिए। मुकेश भाई जानते थे सभी पुरानी कंपनियां जो सारे पैसे हैं वो 2G और 3G सिम में फंसे हुए हैं। उन्होंने डाटा मार्केट को कैप्चर किया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि दूसरी टेलीकॉम कंपनी के यूजर मुकेश अंबानी ने अपने लिए खींच लिया। अब क्या है कि अब जो ग्राहक थे वो जाने अनजाने ही सही आपस में बात करने लगे, कितना बढ़िया ऑफर आया है, सब कुछ फ्री, डाटा फ्री, वॉइस फ्री, SMS फ्री, वीडियो कॉलिंग फ्री, सब कुछ फ्री। और एक दूसरे से बताते बताते लोगों ने मुकेश अंबानी की जो मार्केट है ना, वो मार्केट को 80% कर दिया। जब मार्केट में 4G सिम लॉन्च हुआ, लोगों के पास 3G या 2G मोबाइल थे। जिन लोगों ने लंबी लाइन लगाकर 4G सिम खरीदा, सभी लोगों को मजबूरी हो गई कि वह 4G मोबाइल को खरीदें। यही नहीं, जरा सोचिए, 99 रुपए का प्राइम टाइम मेंबरशिप, 99 रुपए के प्राइम मेंबरशिप के विषय में अगर सिर्फ एक बार अगर आप सोचें तो आप यह सोचें कि 99 रुपए देकर या 99 रुपए लेकर मुकेश जी ने अपनी लागत का कितना पैसा कलेक्ट कर लिया। दोस्तों, आपने भी जियो के फायदे लोगों को बताए होंगे। ठीक इसी प्रकार से आपका एक संतुष्ट ग्राहक यदि लोगों से आपके विषय में बात करने लगता है तो आपकी सफलता को आसमान की ऊंचाइयों से छूने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, इसी प्रकार से मैनेजमेंट के कई सारे पड़ाव हैं। दोस्तों, आज जमाना बदल रहा है और यदि जमाने के साथ अगर आप नहीं बदलते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। आपको भी जमाने के साथ बदलना होगा। आज समाज सोशल मीडिया इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन समय नहीं है। आप उनसे समय मांगते हैं लेकिन वह आपके चाह कर भी वो आपको समय नहीं दे पाते। आप ऐसे लोगों से अपनी बात करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। आप ऐसे लोगों से भी अपनी बात कह सकते हैं। अब बात होती है कैसे। व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, ये सारे ऐसे माध्यम हैं कि जिनके जरिए आप लोगों से जुड़ सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, सामान्य तौर पर जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और वह व्यक्ति आपको भाव नहीं देता है, लेकिन जरा सा एक बार सोच कर देखिए, आपने हमारी सारी वीडियोस को देखी है, आप मुझसे कभी भी नहीं मिले हैं, वीडियो देखने के बाद आपके मन में मेरे लिए कैसी छवि बनती है, जरा सा एक बार आप विचार करके देखिए। यदि आप ग्राहक होते और मेरे वीडियोस को आपने देखा होता, आपने मेरे बैनर को, मेरे पोस्टर को देखा होता, आप मेरे फेसबुक से जुड़े होते, इसके बाद मैं आपसे मिलता
आप हमारे ग्राहक के रूप में मेरे सामने प्रेजेंट होते तो आपका व्यवहार मेरे प्रति कैसा होता? आप खुद से पूछिए और खुद को बताइए। ठीक इसी प्रकार से यदि आप अपने ग्राहक को इसी प्रकार की चीजें सेंड करते हैं, आपके नाम से वीडियोस आपके ग्राहक के पास जाती है, प्लान की इमेज ग्राहक के पास आती है, और इस तरह की चीजें जब ग्राहक देखता है तो आपको क्या लगता है आपके ग्राहक को उसके मन में आपके लिए कैसी छवि बनेगी? दोस्तों, हम वह हर चीज करते हैं जो दूसरे करते हैं, इसीलिए हम वैसे ही हैं जैसे कि दूसरे हैं। यदि हम हर वह चीज करें जो सफल लोगों ने किया है तो एक न एक दिन हम निश्चित रूप से वैसे हो जाएंगे जैसे दूसरे लोग हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप भी खुद के लिए इमेजेस बनवाना चाहते हैं, बैनर पोस्टर तैयार कराना चाहते हैं, या फिर कॉम्बो प्लानिंग या LIC के नॉर्मल प्लान की वीडियो बनाना चाहते हैं जिसको कि आप कस्टमर्स के फेसबुक मैसेंजर में या व्हाट्सएप के मैसेंजर में आप भेज सकें, अगर ऐसा कुछ तैयार कराना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415 84 84 10 पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं कि इन चीजों को बनाने में क्या खर्च आते हैं। दोस्तों, खर्च तो एक बार होता है, लेकिन जब तक वह योजना चलती रहती है तब तक आप उसका बेनिफिट लेते रहते हैं, और मुझे लगता है कि यह भी आपकी सफलता का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, आपके विचार मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में चाहूंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आपका कोई मित्र जो कि इस काम से मायूस हो रहा है आप उसको शेयर करें, शायद हो सकता है कि आपका एक शेयर उसके और उसके परिवार के भविष्य को सुधार कर सके। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन समाप्त करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर कॉल न करें, क्योंकि यह जो व्हाट्सएप का नंबर है यह मैं कंप्यूटर से यूज करता हूं। अगर मैं इस कॉल को रिसीव भी करता हूं तो आपकी आवाज तो मुझे सुनाई देगी लेकिन मेरी आवाज आप नहीं सुन पाएंगे। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसको व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप हमें सेंड करें, लेकिन आपके मैसेज का उत्तर हम तभी दे पाएंगे जब आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका पता, आपका एजेंसी कोड नंबर यह हमारे पास आप व्हाट्सएप मैसेंजर में डालेंगे। दोस्तों, मुझे पता है आपका समय कीमती है और आपने अपने कीमती में समय में से समय निकालकर इस वीडियो को दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।